नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। आजकल देश में सियासी भूचाल आया हुआ है और मुद्दा है ईडी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज फिर पूछताछ की, तो वहीं तमाम कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। कांग्रेसियों का कहना है कि ईडी अब सत्ता में बैठी बीजेपी की कठपुतली बन गई है और उसका इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सत्याग्रह के नाम पर ड्रामा कर रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए ऐसा कर रही है। अगर आप पाक साफ हैं तो सवालों के जवाब देने में आखिर क्या आपत्ति है, आखिर पूछताछ पर इतना बवाल क्यों? चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए आपकी रिपोर्ट। आज फिर ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया और जैसा कि अंदाजा था वैसी ही तस्वीर सड़कों पर देखने को मिली। जब सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि सोनिया से ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को रिहा कर दिया। ईडी ने आज 3 घंटे पूछताछ की। ईडी ने सोनिया गांधी को अब तक कोई नया नोटिस नहीं दिया है। सोनिया गांधी से कुछ अहम सवाल किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष से हुए ये अहम सवाल, यंग इंडिया लिमिटेड संस्था किस क्षेत्र में काम करती है, लेन देन से जुड़ी कितनी बैठकें आपके आवास 10 जनपद पर हुई, लेन देन के बारे में आपको क्या जानकारी है, इसके शेयर किस तरह बिके। अब समझिए नेशनल हेराल्ड का पूरा केस। 1938 जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरू किया नेशनल हेराल्ड। इसका संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल करता था। आजादी के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी कि YIL बना, जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया। YIL में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी रही। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। YIL पर 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप है। तो वहीं इस पर नेताओं के आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। बड़े बयान, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि ईडी ने पूछताछ बंद कर दी थी, अब पहले राहुल से और फिर सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। औरत और बीमार लोगों पर जंग में भी हाथ नहीं उठाया जाता है। मोदी सरकार कार्रवाई के मामले पर निचले स्तर पर उतर आई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि नेशनल हेराल्ड में करोड़ों का घोटाला हुआ है, कानून के हिसाब से जांच एजेंसी काम कर रही है, एक परिवार को बचाने के लिए सत्याग्रह का ड्रामा किया जा रहा है, ये असत्य के लिए आग्रह है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ईडी बार बार धमकी दे रही है, कांग्रेस को बदनाम और परेशान करने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान किया जा रहा है। उन्हें लगता है ऐसा करने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो वहीं हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी इस मामले पर बीजेपी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिस तरह से विपक्ष के पार्टियों के नेताओं को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और जो संवैधानिक संस्था हैं उनके माध्यम से जो डराना चाहती है, जो उनको दबाना चाहती है, उसके विरोध में आज जिस तरह से हमारी शीर्षस्थ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को
जो ईडी के ऑफिस में बार बार बुलाया जा रहा है, उससे पहले राहुल गांधी जी को 5 दिन लगातार बुलाया गया, 54 घंटे पूछताछ की गई, उसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस पार्टी के भाजपा के खिलाफ ये पूरी तरह से हमारा जो प्रदर्शन है या ये जो हमारा सत्याग्रह है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आज ये सारे देश में हो रहा है। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और विधायक मेवा सिंह की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह शुरू किया। इस देश के अंदर जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, आपकी जुडिशरी हो, जनता का इस पे विश्वास है। अगर किसी प्रदेश में कोई घटना घट जाए और प्रदेश की सरकार से लोग सहमत ना हो तो लोग फिर ये कहते हैं कि सीबीआई की जांच कराओ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाती रही है और अब भी दबा रही है, उस सब के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सोनिया जी को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव मोड में है। देश भर में सोनिया गांधी से ईडी के जरिए हो रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, जहां कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में बैठी बीजेपी ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए सत्याग्रह के नाम पर सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। हर खबर ब्यूरो। तो सवालों पर इतना बवाल क्यों, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप नरूला हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भूपेंद्र गहलावत जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विजय कौशिक जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रजवंत हमारे साथ जुड़े हैं, डहिनवाल प्रवक्ता हैं इनएलओ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर के इस डिबेट शो में। सबसे पहले विजय कौशिक जी, मैं आपका रुख करूंगी, समझाने का प्रयास करें मुझे। राहुल गांधी को बुलाया जाता है, वो सवालों के जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि जितने सवाल पूछने हैं पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सवालों के जवाब दूंगा। सोनिया गांधी जी को बुलाया जाता है, उनका कहना है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं डरती नहीं हूं। जब समस्या है ही नहीं तो हर बार कांग्रेसी सड़कों पर क्यों उतर आते हैं? आखिर एक सेकंड सर, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। आखिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इस प्रदर्शन से हासिल क्या होगा? ईडी पूछताछ कर रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होगी वो पूछताछ करेगी। क्या मोटिव है कांग्रेस का, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है, मोटिव क्या है? देखिए, हम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि आज देश बेरोजगारी की मार से बेहाल है, महंगाई की मार से बेहाल है, विदेशी कर्ज से बेहाल है, जो है उसमें से दो दो बार लेकर खर्च कर चुकी है। यहाँ की निजी जो देश की जो संपत्तियां, उपेंद्र जी का वॉल्यूम ठीक कराइए जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। जो देश की संपत्तियां हैं उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है, ठीक। आज खुद भाजपा में बगावत के बोल शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं, आज वो नरेंद्र मोदी जी को खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज गडकरी जी कहते हैं विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, और आज कहीं ना कहीं जो मौजूदा हालात जो बीजेपी राज में चल रहे हैं उनको लेकर आज बीजेपी वाले भी तरसते हैं। उन परिस्थितियों में आज देश की जनता की और भाजपा से पीड़ित भाजपा के लोगों की एकमात्र उम्मीद कांग्रेस बची है देश में। अच्छा, उस कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, वरना मुझे बताइए कि अगर सीबीआई के पास ईडी के पास सबूत हैं, तो उसे पूछताछ करने की जरूरत क्या है? अरे भाई, आप गांधी परिवार से उनके सबूत मांगिए, अपने सबूत आप सामने रखिए, दोनों का मिलान कीजिए, उसके आधार पर जो कार्रवाई बनती है। जांच एजेंसियों का अपना तरीका होता है ना जांच करने का।
आपके हिसाब से थोड़ा जांच करेंगे। सुनिए ना, तरीका ही बता रहा हूँ मैं आपको। कानून अंधा होता है और सबूतों के आधार पर चलता है, पहली बात। दूसरी बात ये, आपको याद होगा कि बोफोर्स तोप की दलाली के नाम पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मरते दम तक इन्होंने उसमें लटकाए रखा, बदनाम रखा। नतीजा क्या निकला कि राजीव गांधी जी निर्दोष साबित हुए। लेकिन कब? तो हमारी देश की व्यवस्थाओं का फायदा मोदी जी उठाकर कांग्रेस को केवल बदनाम करना चाहते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि 8 साल हो गए इस केस को। भाई मोदी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप गिरफ्तार कीजिए, अपनी जेलों के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि हम तो एक बात सोच कर बैठे हैं कि माननीय मोदी जी अगर राहुल गांधी जी को फांसी लगाने से, सोनिया जी को फांसी लगाने से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फांसी लगाने से महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, देश के ऊपर विदेशी कर्ज खत्म हो जाएगा, तो हम भैया फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार। महंगाई खत्म करने के लिए थोड़ी ना सोनिया गांधी को बुलाया गया पूछताछ के लिए? ये तो एक मामला है, उस मामले की जांच हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि हमें रोज रोज जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी, ये इनके झूठे आरोप हमें नहीं सहने रोज रोज। लेकिन सोनिया जी तो कह रही है कोई दिक्कत नहीं, राहुल जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी को ठीक है क्योंकि वो इनकी आंखों में खटक रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए लगातार बुलाया जा रहा है क्या राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को? यह आरोप है कांग्रेस का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो तमाम मुद्दे इस वक्त देश में है, चाहे वो महंगाई हो, अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि जनता का जो ध्यान है वो उन मुद्दों से हटके कांग्रेस की तरफ पहुंच जाए। देखिए मोनिका जी, हमने आज तक, ये मेरी आवाज रिटर्न हो रही है, भूपेंद्र जी का वॉल्यूम ठीक कराइए सर, क्या आप बोल सकते हैं क्या? ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखिए आज तक के हमने जो सुना है, महात्मा गांधी जी के एजुकेशन के बारे में सुना और माननीय जयप्रकाश नारायण जी के एजुकेशन में हम लोग खुद शामिल रहे हैं, अन्ना हजारे जी के एजुकेशन में भी तो बहुत बड़े एजुकेशन हुए, उनमें हम लोग शामिल हुए, और भी एजुकेशन बहुत हुए, कोई किसी करप्शन के खिलाफ हुआ, कोई मर्डर के खिलाफ हुआ, उनमें जांच कराने के लिए सत्याग्रह हमने देखे हैं, सुने हैं, लेकिन ये पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर के अपना उल्लू सीधा करती है, एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। 1938 में जो अखबार शुरू किया, आ रहे हो विजय जी, नेहरू जी ने, हाँ, और वो शेयर होल्डर थे, मैं छोटा करूंगा इसको, उसका वो अखबार बंद हो गया, और 2008 में और 2011 में इन्होंने दूसरी कंपनी बना ली, और उसका सिर्फ 5 लाख रुपए शेयर था, और वो उसके नाम पहले कांग्रेस ने लोन दिया, फिर उसको 5 लाख रुपए के शेयर वाले को माफ कर दिया। देखिए नाम के जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टियों को जो लोग चंदा देते हैं वो तो समाज की भलाई के लिए देते हैं, एक को इन्होंने उसका मिसयूज किया। अच्छा। और ये कहूँ जैसे हरियाणा भाषा में कि इन्होंने कागजों में हेर फेर करके और तो जो 5-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी आज के दिन है उसको अपने कब्जे में लेने का काम किया, गलत तरीके से उसको हत्याने का काम किया। अब देखिए जब ये 2011 में जो मीटिंग होकर सर इस पर तो अभी जांच चल रही है ना जी, सुनिए भूपेंद्र जी, इस पर तो जांच चल रही है अभी। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से इससे कोई लेना देना नहीं है। 2012 में माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस दायर किया, ये फ्रॉड हुआ है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को इन्होंने हत्या लिया, उसका ये रेंट भी ले रहे हैं, दूसरी चीजें भी ले रहे हैं। और उसके बाद 2013 में
इनकी जमानत हो गई और फिर ये उसको प्रेस कराने के लिए एफआईआर को उच्च न्यायालय में गई और उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया 27 पेज का कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी आईपीसी जांच करानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का तो आरोप है ना कि मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। बीजेपी कहाँ कर रही है, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कोर्ट की डायरेक्शन है, क्या ये कोर्ट को भी नहीं मान रहे? यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आज दुरुपयोग किया जा रहा है, कठपुतली बन गई है जांच एजेंसियां। नहीं देखिए देखिए, इनका तो काम आरोप लगाने का है, क्योंकि मैंने आज जी। कभी मैंने आज कभी नहीं देखा कि किसी एजेंसी को भावित करने के लिए आप एजिटेशन कर रहे हो, क्या आप एजेंसी को डरा रहे हो एजिटेशन करके? जो आपके आरोप लग रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेशन करने दे रहे। उनसे पूछा जब तुम कहते हो कि हम पाक साहब क्यों डरते हो, क्यों प्रदर्शन करते हो, ये तो कभी नहीं हुआ। ये तो देखो मोनिका जी, वही हुआ, एक ने शरारत करके और पुलिस पकड़ने गई तो उसका जो भाईचारा था इकट्ठा होकर पुलिस पे हमला कर दिया और उसको छुड़ाने का काम किया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये उपद्रव करते हैं और ये पार्टी, इनकी जमीन खिसक गई है, ये कोई ना कोई बहाना बना के अपनी जमीन तलाश करने का काम करते हैं और इसमें आईडी अपना पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर ये लोग दोषी होंगे तो इनको जेल भी होगी इनका। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब हाईकोर्ट ने इनकी वो क्वेश्चन करने से इनकार कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर इनको ये लग रहा है कि बीजेपी गलत कर रही है, आईडी गलत कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही? ये इसलिए नहीं जा रहे कि इनको पता है इनके मन में पाप है। तो ये सड़कों पर क्यों, ये सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं फिर भूपेंद्र जी? देखिए हरियाणा में जो सत्याग्रह हो रहा है, आप सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का कुछ हरियाणा में भी नहीं है और नेशनल स्तर पे भी नहीं है। कितने गुटों में बंटी हुई है, कहीं 23 के नाम से बंटी हुई है, वहां तो सिर्फ दो आदमी तो बच गए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। माँ बेटा वहाँ है और हरियाणा में कुछ नहीं है, बाबू बेटा यहाँ पर है और तो कुछ है नहीं। और इनका पीछे जो बुरा हाल हुआ, जो ये जिसके सारे ये हरियाणा में सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, वो पौने 2 लाख से सुनीपत में हार गया था, इनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है और ये अपना जनाधार लाइन और एजुकेशन करके लाए जनता को परेशान करते हैं, सड़कों पे आते हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं। हम भ्रष्टाचार की भी जांच होगी और लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखने का काम होगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये लोग हैं और गलत तरीके से रास्ते रोके और दूसरा एजुकेशन। ठीक है ठीक है विजय जी, जल्दी से आपका जवाब, फिर उसके बाद मुझे और गेस्ट पे भी जाना है। क्या न्यायिक व्यवस्था पर आपको विश्वास नहीं है क्या सर? देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था की बात बाद में करेंगे, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। तो नहीं, इनका तो यही आरोप है ना। नहीं सुनिए ना, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना दिया है कि जो व्यक्ति भाजपा से बाहर होता है वो तो देशद्रोही होता है, काले धन वाला होता है, बेईमान होता है। जैसे वो भाजपा में आ जाता है फिर वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। आपको याद हो अजीत पवार के ऊपर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप थे सर। और फडणवीस ये कहते थे कि भाई चक्की पीसिंग और बाद में उन्हीं के साथ सेटिंग करके सरकार लंबी फहरिस्त है। मुकुल रॉय है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। सेना के एक विधायक की चिट्ठी देश के सामने आई जिसमें विधायक ने अपने शिवसेना सुप्रीमो को उस समय लिखा था कि भाजपा सीबीआई और ईडी का दबाव बना रही है हमारे ऊपर, हमारा गला घोट रही है, या तो आप भाजपा से समझौता कर लीजिए नहीं तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। और वही हुआ, भाजपा ने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके देखे किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार को गिरा दिया। ये इस तरह का खेल पूरे देश भर में, तो सीबीआई से डरना क्यों है पता चल चुका है। चलिए ठीक है, आपका आरोप, चलिए आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीबीआई से फिर डरना क्यों है? डरता तो वो है ना जो गलत होता है। डरते नहीं है आप, नहीं आप कह रहे हैं ना कि शिवसेना डर गई, लेकिन झूठा बदनाम मत कीजिए, हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं, हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। विजय जी अभी आपने कहा कि शिवसेना को डरा रहे हैं, इनको डरता वही है ना जिसको डर होता है, जिसमें बात होता है। सीडी का इस्तेमाल करके इन्होंने महाराष्ट्र भूपेंद्र जी विरोधी शिवसेना की, ठीक है, मैंने तो सबूत के तौर पर बताया है कि किस तरह उनके लेटर प्रकाशित हुए थे। ये जो बैठ कर कह रहे हैं ना भाजपा प्रवक्ता कि भाजपा तो बहुत गौ पार्टी है, वो किसी के ऊपर, हाँ मैं जवाब लूंगी इसका,
नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि आपके पास विकल्प है, आप सड़कों पर आ रहे हैं आए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आपके पास विकल्प है, आप कोर्ट के पास जाइए ना उसके लिए। मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। अच्छा, सवालों के नाम पर 5-5 दिन पूछताछ हो रही है। अरे भाई, गिरफ्तार कर लीजिए भूपेंद्र जी प्लीज। सर मैं आऊंगी आपके पास। मुझे ये बताइए, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से ना राहुल गांधी जी 1 रुपए ले सकते, ना सोनिया गांधी जी 1 रुपए ले सकती। ये FIR पहले क्लोज हो चुकी थी, दोबारा लेकिन 90 करोड़ का झोल हुआ है ना सर, उसी की जाँच हो रही है, उसी की जांच हो रही है, सही है तो बस। हाँ भाई, 90 करोड़ का झोल हुआ है ना, उसी की जांच हो रही है सर। ठीक है भूपेंद्र जी, भूपेंद्र तो झोल भाजपा ने माना है, झोल पे हुआ थोड़ी सा है। देखिए, हुआ है ये नहीं हुआ है, इसी की तो जांच चल रही है ना सर, सही है कांग्रेस तो ठीक है। जांच एजेंसी मोदी जी की कठपुतली होगी तो कहां से न्याय मिलेगा? अच्छा, तो उन पर झूठे आरोप लगा देंगे क्या, उनको जेल भेज देंगे क्या? नहीं तो कांग्रेस जो नेता है उन पर झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे क्या? कांग्रेस के नेताओं पर तो झूठे आरोप लगाए गए, नहीं तो उन्हें जेल, जो सही है आप ही मानते हैं ना, जो सत्य है सबके सामने आता है, जो सही है वो सबके सामने आ जाएगा, इसलिए तो हम जनता की अदालत में हैं। अच्छा, तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे? ठीक है, हम इनको बेनकाब करेंगे, हमें मालूम है। तो जनता कैसे इंसाफ करेगी सर? व्यवस्था को चौपट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, इसलिए इनके पास ये ड्रामा चल रहा है। ठीक है भूपेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा सर, लेकिन अभी नहीं, एक सेकंड और भी मेहमान है, मैं उनके पास जाऊंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा। रजवंत जी, उसके बाद प्रदीप जी आपके पास भी आऊंगी। रजवंत जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, ये जो पूरा प्रकरण आपने देखा? हाँ, आपने बीजेपी की भी बात सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी, नेताओं को अगर सवाल पूछने के लिए बुलाया जा रहा है, कोई आरोप अगर है तो क्या उसको लेकर सड़कों पर उतरा जाएगा? मनीषा जी, देखिए एक चीज है, सड़कों पर उतरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र में सभी का हक है सड़कों पर उतरना। सड़कों पर लोग, मेरी नहीं सुन रही, लोकतंत्र में सड़कों पर उतरना, हकों की आवाज उठाना उनका हक है, राजनीतिक दल है, सड़कों पर उतरना जायज है। लेकिन आप ये तो देखिए वो किन कारणों से उतर रहे हैं सड़कों पर। आज जो आज मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों से अभिमुख होकर वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि राहुल जी से अगर कोई ईडी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है तो सड़कों पर आ जाते हैं, सोनिया जी से अगर कोई जांच के लिए बुलाया जा रहा है तो सड़कों पर आ जाते हैं। ये कहां तक न्याय संगत है? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी है जो एक तरफ ये कहते हैं कि CBI, ईडी, NIA है, ये एक अलग एजेंसी है, इन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर इन पर दबाव नहीं होता तो क्या आज विपक्ष के अलावा क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है जिनको सीबीआई ने, ईडी ने कोई किसी तरह जांच के लिए बुलाया हुआ? क्या सारे जो भ्रष्टाचारी है जिनके गबन के आरोप लगे या किसी भी प्रकार का आरोप लगा है, वो क्या सारे विपक्ष में है? अगर निष्पक्ष की हम तब उम्मीद कर सकते थे, अगर सत्ता पक्ष के भी, अगर भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता के बारे में अगर वो जांच करते तो इस चीज पर निष्पक्षता के उनका किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगता। लेकिन आज आरोप इसलिए लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। और लोकतंत्र की स्वच्छ परिभाषा एक यही है, मजबूत लोकतंत्र तभी कहलाता है जब मजबूत विपक्ष होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को खत्म करने की एक ऐसी राह, आपके भी तो नेताओं को बुलाया गया था ना पूछताछ के लिए, आप क्यों नहीं सड़कों पर गए? देखिए, मैं आपको इंसाफ नहीं चाहिए था क्या? विश्वास है, हम डरते नहीं है ना, हम डरते नहीं, हमारे नेता तो चयन भी होके आए, हमें इस चीज का डर नहीं है। लेकिन शायद कांग्रेस वालों को इस चीज के लिए डर है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम जनता की अदालत में गए हैं, जनता की अदालत जनता के अगर पास में जाना है तो गांव में जाओ, आप सड़कों पर क्या ले रहे हो? ये चीज आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी बात आ रही है, आज आप कोर्ट की बात कह रहे हैं, बिल्कुल हमको कोर्ट में भी जाना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के माहौल में कोर्ट कहीं ना कहीं सुरक्षित है? आज न्यायपालिका के 4 जजों की बेंच की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या वो आप इसी देश के है ना? तो उन्होंने भी अपने आप को यह बताया था कि आज जजों के ऊपर भी किस प्रकार का प्रेशर है। जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर हुए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भी तो यही कहा था ना कि हम किस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो हमें पता है। तो न्यायपालिका पर भी आज किसी न किसी प्रकार से
वो दबाव का दबाव डालकर काम करवाया जा रहा है। लेकिन आज जो सीबीआई जो जिस प्रकार से जो अपनी जांच पड़ताल कर रही है, इस पे किसी भी प्रकार का हाउला नहीं करना चाहिए। अगर कहीं दोषी होंगे तो जरूर उन पर दोष लगाया जाएगा, लेकिन अगर निर्दोष होंगे तो पाक साफ आएंगे। बशर्ते कि वो उनकी जो मंशा है, काम करने की मंशा है, नियत ये है कि वो जांच करने की मंशा से बुला रहे हो। अगर किसी व्यक्ति को खराब ही करना है तो आज सरकार के हाथ में वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी पकड़कर उनको जेल में डालने का काम कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर सर ऐसे कैसे किसी को जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं रजवन जी, ऐसे किसी को जेल में डाल दिया जाएगा बताइए ना। मैं वही तो चीज बता रहा हूँ ना, क्या आपको लग रहा है अगर उनकी तानाशाही नहीं आप है, तो क्या भारतीय जनता, आप भी तो बोल रहे हैं ना, आप भी तो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं ना, आपको भी तो जेल में डाला जा सकता है, मुझे भी जेल में डाला जा सकता है, मैं भी बोलती हूँ है ना। आ रही हूँ सर विजय जी, पूरा समय आपको दूंगी सर। क्यों लग रहे हैं आरोप? क्यों लग रहे हैं आरोप? इसलिए लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, मंत्री को सीबीआई ने, ईडी ने क्या बुलाया है कभी? हाँ मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, हाँ मैं पूछूंगी। आपको पता होगा शरद पवार के भतीजे को 35,000 करोड़ का आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी को। सर ऐसे नेताओं की बहुत लंबी फहरिस्त है, ऐसे नेताओं की बहुत लंबी फहरिस्त है। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ ना, तो क्या उनको क्लीन चिट मिली थी? आज ये महाराष्ट्र में 16 मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाया था, 1 लाख शिंदे पर आरोप लगाया था, क्या आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? और अगर कार्रवाई होगी तो कैसे होगी? ये भी तो चीज बताए ना ये लोग। ठीक है भूपेंद्र जी, बहुत 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 जरूरत है आप धैर्य बनाकर रखें, मैं आपके पास आऊंगी, अभी मुझे नरूला जी के पास भी जाना है, थोड़ा धैर्य रखिए सर, सभी के सवालों के जवाब आप दीजिएगा, आपसे मुझे भी सवाल करने हैं। नरूला जी आपकी प्रतिक्रिया सर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसीलिए क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं आते हैं, ना ही बीजेपी से, ना आम आदमी पार्टी से, ना एनएलओ से, ना ही कांग्रेस से। आप मुझे बताइए जिस तरीके से जो तमाम चीजें देश में चल रही हैं, ये हो हल्ला, आरोप प्रत्यारोप, ईडी के सवाल, सोनिया जी के जवाब, इन तमाम चीजों को देखकर आपको क्या लगता है? देखिए मोनिका जी, मैं आपको एक बात कहूं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन विरोध करना सभी सभी लोगों का, आवाज सही नहीं आ रही मुझे। ठीक है भूपेंद्र जी का वॉल्यूम ठीक कराइए, बोलिए प्रदीप जी। सभी का अधिकार है लोकतंत्र में प्रदर्शन करने की आजादी है, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप सत्याग्रह भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रदर्शन में जब कुछ चीजें ऐसी निकल के आती है तो उनमें सवाल खड़े करना लाजमी कर रहे हैं। अब कांग्रेस के मित्र ने अभी आरोप लगाए कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर, मान्यवर जी किस सरकार में नहीं हुआ, किस सरकार में आरोप नहीं लगे इन संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के? आपकी सरकार में तो न्यायालय ने तक तोते की टिप्पणी कर दी थी। देखिए हमाम में सभी नंगे, सभी राजनीतिक दल पर यह आरोप लगते रहेंगे कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ दुरुपयोग होता है, और मेरे ख्याल से बदसूरतवा होता रहे। अब दूसरी बात यह आती है कि आरोप इन आरोपों में उस वक्त उंगलियां होती है कि आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं की जब ईडी की जांच होती है, चाहे चिदम्बरम हो चाहे कीर्ति चिदम्बरम हो, तो आप सड़कों पर नहीं आते। ये आज जब राहुल गांधी पर आती है, सोनिया गांधी पर आती है, तो आप सड़कों पर उतरते आते हैं और जोर शोर से आवाज उठाते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। मेरे इस इन चीजों में विरोधाभास होता है कि आप अगर ईडी जैसी संस्था का दुरुपयोग हो रहा है तो हर वक्त आपको सड़क पे होना चाहिए। जब दुरुपयोग होगा चाहे किसी के भी खिलाफ, आप लोग सड़कों में आएंगे, आप लोग सत्याग्रह करें, आपका अधिकार है। लेकिन जब चीजें चुन के आपको अगर पिक एंड चूज करना होगा कि आपको कब सड़क पे आना है, कब सड़क पे नहीं आना है, तो उंगलियां उठेगी और उन उंगलियों के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए मैं हर जांच एजेंसी की जांच करने की प्रक्रिया होती है, ईडी ने जब चाहे वो ईडी है या सीबीआई है, जब जब किसी विषय की जांच की है, जब तक किसी आरोप की जांच की है, तो लोगों को बुलाया है, चाहे किसी सत्ता में किसी भी सरकार की पार्टी के लोग रहे हों या पार्टी के लोग ना रहे, किसी भी विभाग और किसी अन्य क्षेत्रों से भी लोग रहे हों, वो पूछताछ को बुला सकते हैं। आप ठीक है तो आप उनका जवाब दीजिए, उसके बाद भी आपके साथ गलत होता है तो देश में न्याय पालिका है,
और न्याय पालिका जैसे जितने भी दिए हैं जहाँ सरकारें भी सब रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप अभी मेरे मित्र इनेलो आईआईटी के प्रवक्ता को न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाती तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अगर आपकी पार्टियां अपने अपने स्वार्थ के अनुसार इस तरह के आरोप लगाती उंगलियां उठाती है ये सारी संवैधानिक बीजेपी के समय पर भी उठाए गए थे ना सवाल सर, बीजेपी ने भी आरोप लगाए थे जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। क्या लोग समझ नहीं रखते, क्या मतदाता समझ नहीं रखता, जब आप महंगाई से बेरोजगारी सत्याग्रह और आप जब सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ होती सत्याग्रह कर उनके लिए आप जनता के लिए सड़क पे नहीं आ सकते, जिस जनता ने आपको सिर पे बिठाना है, जिस जनता को आगे आप उम्मीद लगा रहे हैं जनता तो कह रहे हैं जनता के अदालत में गए हमें कोर्ट जाने की क्या जरूरत, जनता को दिखाएंगे। मैडम जनता की अदालत 5 साल बाद होती है, आप सड़क पे ईडी के खिलाफ बैठे, ईडी के खिलाफ बैठे आपके नेता के चुनाव में लेके जाना जनता की अदालत हर 5 साल में लगती है, ठीक, लेकिन आप जनता के लिए कितने आवाज उठाते, किन मुद्दों पर आवाज उठाते जनता की। आप कह रहे बेहतर होता अगर जनता के मुद्दों पर इसी तरीके से सत्याग्रह होता, ना कि आलाकमान से जब पूछताछ हो रही तब। विजय जी थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा सर, मैं आऊंगी आप जवाब दीजिएगा, मुझे मालूम है आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे भूपेंद्र जी से जवाब लेने हैं, आप ही के सवाल है कुछ। भूपेंद्र जी बोलिए। नहीं देखिए इन लोगों का भी ये सवाल है और विजय जी कांग्रेस का भी ये सवाल है कि बीजेपी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसको समन भेजा गया हो या फिर जिसके खिलाफ पूछताछ हो रही हो, आखिर ऐसा क्यों है? कौन सी वॉशिंग मशीन है सर आपके पास? जो भी नेता कोई पार्टी छोड़ता है आपकी पार्टी से मिलता है वो एकदम शुद्ध हो जाता है, उसके खिलाफ जो भी केस है वो नहीं फिर वो उनको हवा लगती, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। देखिए मोनिका जी, एक तो ये जो आरोप लगाते हैं कि ये झूठे केस हैं, मैं आपको बताऊं ये बात तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं, क्योंकि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी पे जो आरोप लगाए थे, माननीय अमित शाह जी पे जो आरोप लगाए थे और उनसे 56 घंटे लगातार पूछताछ करने का ईडी ने काम किया था, माननीय उच्च न्यायालयों ने उनको क्लीन चिट दी है और बिल्कुल साफ सुथरे होके वो अपनी लड़ाई लड़ी है और ये उन पे लागू होता है जिस लोगों ने जब केस सुनवाए थे कि उन्होंने झूठे केस सुनवाए थे, क्योंकि वो साबित हो चुके हैं। दूसरी मैं इनेलो की बात करूं, वो भाई बोल रहे थे वो ये बात भूल गए, मुझे सारी बातें याद रखी। जब ओम प्रकाश चौटाला जी को जिस दिन सजा सुनाई थी ये सारे के सारे वर्कर संतुष्ट करा गए थे और इन्होंने जो जज वहां पर बैठे थे जिन्होंने सजा सुनाई उनके भी घेराव करने की कोशिश की थी और ये भी बोलते थे कि हमारे ऊपर झूठे केस बना दिए। अगर झूठे केस तो ये तो गलत कह रहे थे, क्योंकि न्यायालय ने इनके आरोप माने और इनको सजा हुई, दोबारा से भी सजा हुई। इसलिए जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए और ये नहीं हो सकता। तो सर इंसान गलत को गलत नहीं बोलेगा क्या, सही को सही नहीं बोलेगा? हर किसी को अपनी बात रखने की वो है ना आजादी। देखिए हमारे देश में दो ही स्तंभ है, एक तो हमारे न्यायालय है जो ये डिसाइड करते हैं कि ये सच्ची बात है या झूठी बात है, ये दोषी है या निर्दोष है, या मैं ये कहूँ कि डेमोक्रेसी में जनता जो है वो भी डिसाइड करते हैं चुनाव के समय। अभी पीछे चुनाव हुए 5 राज्यों के तो कांग्रेस पार्टी की तो सारी की जमानत जब्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी जिस पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं
चार स्टेट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आ गई और 90-95% सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। ये जनता की अदालत में की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव हुए हरियाणा में, राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ, इनका क्या हाल हुआ? फिर ये सर वो तो समय समय की बात है, जनता जनता समय समय पर किसी को चुनती किसी को नहीं चुनती, ठीक है। ये तो अभी की बात है, मैं तो अभी लेकिन जो सवाल मेरा था सर उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। बोलिए हाँ आ रही रजवंत जी आपके पास भी आऊंगी एक सेकंड। नहीं ऐड करना है, सवाल ऐड करना है। वो जो चार जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता ने जो आरोप लगाए थे क्या वो बेबुनियाद है? ठीक है उसमें भी जवाब देंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, बीजेपी के कोई एक नेता का नाम गिनवा दीजिए सर जिसके खिलाफ जांच चल रही हो। ये कहना है कांग्रेस का, इनेलो का, कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास कि कोई भी नेता कोई अपनी पार्टी छोड़ के जब बीजेपी में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ईडी समन नहीं भेजती है, कोई जांच एजेंसी नहीं पहुंचती छापेमारी के लिए? ऐसे किसी आदमी का स्थान नहीं है जो हमारे संविधान के खिलाफ चले, भारतवर्ष के खिलाफ चले और उसकी पालना ना करे। हमारे सभी अनुशासित लोग हैं पार्टी के अंदर। और एक आध किसी पे आरोप लगा है, वो यूपी में किसान आंदोलन का जो मिश्रा पे आरोप लगा था वो अभी तक जमानत भी नहीं हुई है। ये नहीं है कि हम किसी को बतसते हैं, और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो लाइन ऑर्डर के खिलाफ जाएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे लोकदल पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, सबके लिए कानून समान है। हम तो एक व्यक्ति का नाम पूछे भारतीय जनता पार्टी का, कोई एक व्यक्ति क्या सारे पाक साफ है? कोई एक व्यक्ति तो आ रही हूँ रजवंत जी, बीजेपी आपके पास भी आ रही हूँ भूपेंद्र जी, उनका कहना है कि बीजेपी में सब पाक साफ है, क्या सब पाक साफ है, एक भी नेता नहीं? और सारे जितने भी करप्ट नेता है जिनके खिलाफ ईडी समन भेज रही है, छापेमारी कर रही है, वो सब विपक्ष में ही है। और इनके कहने से कोई दोषी नहीं बनेगा। अच्छा। दोषी आदमी जब बनता है, जब माननीय उच्च न्यायालय उसके खिलाफ कोई फैसला देते हैं। हमारी पार्टी को ये अरविंद सर ये केजरीवाल की तरह तो है नहीं कि वो कहते मंत्री के मैंने कागज देख लिए मेरा मंत्री तो ठीक है। सब पाक साफ है बीजेपी में, सब पाक साफ है। अगर कोई ऐसा आदमी होगा अच्छा गड़बड़ करेगा तो उसका भी जेल में विश्वास हो रहा है। हरियाणा में जो भी आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा कोई हो, जितने भी भ्रष्ट है, जितने भी भ्रष्ट नेता है सभी पक्ष में है। भूपेंद्र जी आप कह रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा। भ्रष्टाचार का डिसाइड करना वो न्यायालय का काम है, वो हमारे काम नहीं है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वो जो डिसाइड करेगी माननीय उच्च न्यायालय क्यों भागते हैं? जब उच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये गंभीर मामला है। मुकुल रॉय जैसे ही आपकी पार्टी में आते हैं कोई जांच नहीं होती है, विश्व शर्मा जो है उनके खिलाफ भी किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, और उन्होंने तो विपक्ष को लंबी फहरिस्त है विपक्ष के पास ऐसे नेताओं की जो अपनी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आते हैं सब ठीक हो जाता है। वॉल्यूम ठीक कराइए थोड़ा। बोलिए भूपेंद्र जी, आरोप लगना एक अलग बात है और आरोपित सिद्ध होना एक अलग बात है। जब आरोप लग रहे हैं तो उसको फेस करो, अगर उसमें सजा हो जाएगी तो वो जेल जाएगा, वो दोषी होगा। लेकिन ये मैंने कभी नहीं देखा, एक पे आरोप लगा हुआ है उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए बुला रही है और ये सड़कों पर आ गए। जवाब तो आपसे भी नहीं मिलेगा, और ये समय की बात है। आप सत्ता में हैं तो आज कांग्रेस के नेता जो हैं उनकी जांच हो रही है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो आपके नेताओं की जांच हो रही थी। खैर मैं किसी पर सवाल नहीं खड़े कर रही हूं, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखें तो यही तस्वीर नजर आती है। विजय जी कुछ कह रहे चाह रहे हैं, विजय जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद रजवंत जी आप अपनी बात कीजिएगा पूरी। विजय जी मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मेरे भाई घोटालों की बात कर रहे थे भाजपा प्रवक्ता, तो हरियाणा के अंदर कोरोना के दौरान में सरकार की जो शराब थी जो पकड़ी गई खेप थी, शराब की एक जगह इकट्ठा थी, उस गोदाम की किस तरह से दीवार तोड़कर करोड़ों रुपए की शराब हरियाणा में सप्लाई हो गई। कोरोना पीरियड में 100 रुपए की बोतल 1000 रुपए तक इन लोगों ने खरीदी और उन्होंने कहा करेंगे दोषियों को बख्शेंगे नहीं। कौन सा दोषी? पहली बात। दूसरी बात,
फरीदाबाद नगर निगम ने 1200 करोड़ का 200 करोड़ के कई घोटाले सामने आए। आऊंगी भूपेंद्र, आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई की? थोड़ा जारी रखिए सर। देखिए रूल ये है कि अगर किसी भी वार्ड में किसी भी नगर निगम क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य पास होता है तो फाइनेंस कमेटी है वो पास करती है, पार्षद की नजर में रहता है कोई भी काम। इन लोगों की भाजपा नेताओं की मिली भगत के बगैर ये कई कई सौ करोड़ के घोटाले हो ही नहीं सकते थे, लेकिन चंद अफसरों को अंदर भेजकर आज तक इन्होंने रिकवरी क्या की है? अभी उप मुख्यमंत्री को और नीचे मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि रिकवरी भी करेंगे, यानी कि जो इनको सहयोगी दल के जो नेता है वो कह रहे रिकवरी करो, भाजपा कह रही है कोई रिकवरी नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की जेब में गया है। ये तो हरियाणा के घोटालों की लंबी फेरिस्त है, राष्ट्रीय घोटालों की बात कर लेते हैं। नमामि गंगे परियोजना हजारों करोड़ रुपए खा गए, गंगा साफ नहीं हुई, पीएम केयर्स घोटाला, लोगों की तनख्वाह काट ली गई, सरकारी लोगों की, सांसदों की, विधायकों की, सबकी पीएम केयर्स के नाम पर। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जवाब ये दिया सरकार ने कि भाई ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, आर्टिकल के दायरे में आती। तो ये हजारों लाखों करोड़ रुपए किसने पीएम केयर्स में डलवाया था? सरकार ने डलवाया भाई, क्यों डलवाया जब वो सरकार ही नहीं थी? तो इसके अलावा स्मार्ट सिटी का घोटाला, तो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी। इनके हर मुद्दे पर ये बीफ की बात करते हैं, इनके राज में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया, नई कंपनियां खुल गई, गौ माता को बचाने की बात करते हैं और दो नंबरी दरवाजे से उसे कटवाए जा रहे हैं गौ माता को। ये जीएसटी लगाने का विरोध करते थे, आज सबसे ज्यादा इन्होंने जीएसटी ठोक रखी है। ये विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करते थे, 50% से ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश को 100% तक इन्होंने मंजूरी दे दी है बहुत से क्षेत्रों में। जिन चीजों का ये विपक्ष में रहकर विरोध करते थे आज उन सारे गलत काम को ये कर रहे हैं जिन्हें गलत कहते थे। विजय जी मुद्दे पर, उन परिस्थितियों में मैं यही कह सकता हूँ, बगल में छुरी घूमे राम राम, भाजपा का यही है काम। मोदी जी की समझ में एक तारा की वो इस देश को कैसे चलाए, या तो मोदी जी की नाक नीचे भाजपा नेताओं ने घोटाले की है और बदनाम मोदी जी हो रहे हैं, तो उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए उन अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को जो आज लखपति से अरबपति बन गए हैं। सबसे पहले सीबीआई और ईडी की जांच उनसे शुरू की जाए, उन लोगों को अंदर भेजा जाए, जब तो ये देश सही देश। नाम बताइए ना सर विजय जी, कौन से नेता हैं, नाम बताइए। अमित शाह जी के बेटे का भी नाम है, अच्छा। जय शाह का, और कितने ही नेताओं के नाम है। मैं जो कह रहा हूँ ये जो लाखों का आप ये देखिए ना भूपेंद्र जी का कहना है कि किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? भूपेंद्र जी का कहना है कि कोई तथ्य है आपके पास, फैक्ट है आपके पास? मेरे पास मेरे पास इस बात के फैक्ट्स हैं कि किस तरह से उनकी लाखों की कंपनी जो है करोड़ों की कंपनियां बन गई। मेरे पास इस बात खैर सर मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है। मैं उसी जय शाह की बता रहा हूँ जी आपको, ठीक 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 है। भूपेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा, सर आऊंगी आपके पास, आप बोलिएगा, पूरा समय आपको दूंगी, एक सेकंड। ठीक है ठीक है, रजवंत जी, रजवंत डेनवाल। देखिए मोनिका जी, जो बार बार बात घोटालों पे हो रही है, एक छोटी सी बात आपको भी ध्यान में होगी, कैलाश साहब भी बैठे उनको भी ध्यान में होगी कि दुष्यंत चौटाला जी ने दवा घोटाले का आरोप लगाया था बिंद साहब के ऊपर। आज दोनों तो आज दोनों सरकार में बैठे हैं, उसी दिन में बैठेंगे कि जब दुष्यंत चौटाला जी ने जब उनके ऊपर आरोप लगाया था बिंद साहब के ऊपर घोटाला का, और उन्होंने कहा था तो उन्होंने शायद वो दवा घोटाले की बात को दबा दी, उन्होंने उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया था वो मुकदमा जो बात हुआ था वो मुकदमा वापस लेने की बात कह दी। पुलिस कस्टडी में शराब घोटाला हुआ, एचपीएससी में करोड़ों रुपए पकड़े गए, शराब रजिस्ट्री घोटाला हुए, अगर इन पर कोई कार्रवाई सरकार करती तो आज सब कुछ पाक साफ निकल आता, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आज ये लोग विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं, हकीकत में ये चारों तरफ से घिरे पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के दम पर अपने आप को पाक साफ रखने में कामयाब हो रहे हैं, जनता सब जानती है। लेकिन आज कौन सिर्फ कोई इस वजह से नहीं रहा क्योंकि हर व्यक्ति डरता है कि झूठे आरोपों में किसको कब फंसा दे, किसी को भी कुछ नहीं पता। आज इनके पास पावर है, सत्ता है, सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है, इनके पास पुलिस है, किस व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसा दे, इसके बाद उसका कोई बचाव नहीं है। आप इन चीजों के जरूर पूछे ना,
कि जब जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, रजवंत जी कैसी बात कर रहे हैं, देश की एक न्याय न्यायिक व्यवस्था है, ऐसी थोड़ी ना किसी को जेल भेज देंगे किसी को किसी पर आरोप। ये तो आप भी मानते हैं ना कि जांच होती है उसके बाद। इस बात को मैं सबूत के साथ साबित कर सकता हूँ, अगर आऊंगी। आप अपनी बात कीजिएगा विजय अभी। विजय जी एक सेकंड अभी रुकिए, बोलिए रजवंत जी। जब शराब घोटाले का आरोप लगाए थे, शराब घोटाले का आरोप लगाए थे, एचपीसी में करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, रजिस्ट्री घोटाले हुए, रजिस्ट्री बंद हुए, जब रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं, जब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था है? आज न्याय व्यवस्था को कहीं ना कहीं सरकार ने दबा कर रखा हुआ है, इस चीज का कोई दो राय नहीं है। आज किसी भी बड़े बड़े अब आपको पता है फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया था बगैर पेमेंट किए हुए, वहां पे बगैर काम किए हुए पेमेंट कर दी। तो ये घोटाले किसके सरकार में हो रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के, नरोला जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। विजय जी थोड़ा धैर्य रखिए सर, वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, अब कौन करेगा इस चीज का न्याय? अमृत योजना के नाम पर मनीष ग्रोवर के ऊपर 400 करोड़ का आरोप लगाया, क्या कोई झूठे आरोप लगा रहे हैं? अगर आरोप लगा रहे हैं तो हमारे पे कार्रवाई कीजिए ना। देखिए भूपेंद्र जी, देखिए पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए मैं उनको बहुत ही गलत मानता हूँ, और जब तक तथ्य न हो व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाने चाहिए। मेरे पास तथ्य है और मैं लांछन भी लगा रहा हूँ। ये जो इनके जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने जितनी भर्ती की खर्ची पर्ची लेकर वो सारे कोर्ट ने गलत मान लिए। चाहे वो ड्राइंग टीचर थे उनको हटा दिया, पीटीआई थे उनको हटा दिया, और जेबीटी टीचर थे उनको हटा दिया, और अभी कल परसों ही माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया कि जो डिप्टी इंस्पेक्टर इन लोगों ने भर्ती किए थे वो प्रतिक्रिया संदिग्ध है, और कमेटी बना दी जो जांच करके हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। हमारे पास एलिगेशन है, वैसे तो सारी कांग्रेस ही जमानत पर है, लेकिन जिनकी ये बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे भी माननीय है मुख्यमंत्री रहे हैं, 6-6 किस्तों में जमानत पर है। कल को ये कहेंगे उनको बुलाएंगे तब भी ये सड़कों पर आएंगे। भैया पहले तुम भ्रष्टाचार करते क्यों हो, साफ सुथरे रहो। सारे एलिगेशन लगे हैं और ये किसी बीजेपी ने आपके नेताओं की तरह गहलावत जी ये किसी नेताओं ने नहीं लगा रखे, ना भाजपा ने लगा रखे। जो किसानों की जबरदस्ती जमीन एक्वायर करके नोटिस दे के जिनके एग्रीमेंट करा लिए वो किसानों ने लगाए हुए हैं, और जिनके खिलाफ आपने गलत तरीके से भर्ती की जो लोग उसमें इग्नोर हो गए उन्होंने कोर्ट में केस करा है। कोई भारतीय जनता पार्टी का उससे लेना देना नहीं है। और मैं तो ये जो लोक दल के भाई बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ आई से अधिक संपत्ति में भारतीय जनता पार्टी ने तो सजा नहीं कराई, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का और क्या सबूत होगा? माननीय न्यायालय ने इनको दोषी मान लिया और ये फिर भी दूसरों पर उंगली उठाते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है क्या कैसे ये फेस करने की बात करते हैं, कैसे लोगों के बीच में जाने की बात करते हैं। ये तो जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने दोषी मान लिया है फिर भी ये उसमें बाज नहीं आ रहे, फिर भी ये दूसरों का कहते हैं कि हमारे पर झूठे केस है। और जो आय से अधिक संपत्ति का केस था, जो ये टीचरों के घोटाले में चौटाला साहब 10 साल जेल काट के आए थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब आपको किसने किया? जब भी आप कहोगे जब आपका केस न्यायालय में चला गया और न्यायालय ने आपको दोषी मान लिया, देखिए अब ये केस न्यायालय के आदेश पर ये इन्वेस्टिगेशन सोनिया और राहुल के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप पाक साफ है तो आप डरते क्यों हो? आप करिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 56 घंटे तक पूछताछ की थी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या वर्कर सड़कों पर नहीं आया था। हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आप भी कानून में विश्वास रखिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, जब कोई एमपी बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान का आदर करेंगे। तुम्हारे मुख्यमंत्री और तुम्हारे मंत्री तो सड़कों पर आ गए, संविधान की धज्जियां उड़ाने लगे, ये क्या क्या कर रहे हो आप कांग्रेस? ये महात्मा गांधी ने ठीक कहा था, ये कांग्रेस अगर उसी समय खत्म कर देते तो अच्छा रहता, देश को ऐसे लोगों से भुगतना ना पड़ता। सर अब आप खुद पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। नहीं, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। जो महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, आप देखिए महात्मा गांधी ने ये कहा था आजादी के बाद, अब आप कांग्रेस का कोई वो नहीं रहा, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। प्रदीप जी
आप लगातार सुन रहे तमाम राजनीतिक दलों की बात, और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे सर, जब जब जिसके पास मैं जा रही हूँ सब अपनी अपनी भ्रष्टाचार की किताबें खोल रहे हैं, कौन से समय में किसके खिलाफ कौन से मुद्दे थे कौन से नहीं थे, सब अपने अपनी बात कर रहे हैं। और लाजमी भी है सर, अगर किसी के ऊपर आरोप लगेंगे तो वो बोलेंगे कि इनके समय पर भी तो था, लेकिन गलत को गलत तो कहेंगे ना सर आज के समय में। प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक, आवाज नहीं आ रही हमारी तक। ठीक है जी जी, ठीक है बोलिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है तो एक दूसरे की भ्रष्टाचार के मामले या ऐसी कमियां गिनवाई जाती है, निसंदेह है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर एक ने चोरी की हो तो दूसरे की चोरी को जायज ठहराना ये भी ठीक नहीं। देखिए आप, मामला है कि ईडी ने सोनिया गांधी जी और राहुल जी को पूछताछ के बुलाया। अगर आप सही हैं तो आप उनकी बातों का जवाब दीजिए, अगर आपके पास साथ सही नहीं होता है तो देश में न्यायपालिका है, आप न्यायपालिका दरवाजा हटाइए। उस पर तो सर विश्वास ही नहीं है ना, उस पर तो विश्वास ही नहीं है। तो नहीं है तो फिर 2 साल इंतजार कीजिए, जनता की अदालत आएगी। अब जनता की अदालत में जनता का दरवाजा खटखटाइए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जनता की अदालत में जब मेरा इनका सुझाव है, मानना नहीं है, मेरा संकोच विपक्ष के मित्र है कि जनता की आवाज आएगी, जनता आपकी आवाज, लेकिन आप तो अपनी आवाज उठाते रहेंगे, जनता के मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये जनता है सब जानती। ठीक है ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी मैं लास्ट कमेंट लूंगी। विजय जी आप भी आपके पास आ रही हूँ, फिर रजवंत जी आपके पास भी आऊंगी लास्ट कमेंट लेने के लिए। विजय जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भाजपा की सरकार डरी हुई है, क्योंकि इनको ये मालूम है कि हुड्डा जी जनजन से जुड़े हुए हैं और भाजपा का सिलसिला साफ होने वाला है अब बात चुनाव में, इसलिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। मैं ये कहना चाहता हूँ देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से, चाहे आप राहुल जी को जेल भेज दीजिए, चाहे सोनिया जी को जेल भेज दीजिए, चाहे हुड्डा जी को जेल भेज दीजिए, कांग्रेस के कांग्रेस डरने वाली नहीं है, कम होगा, हम डरने वाले नहीं है, हमें सच्चाई का डटकर मुकाबला करेंगे और इन सरकारों की ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है रजवंत जी, जल्दी से सर, बहुत बहुत कम समय, जल्दी से रजवंत जी। देखिए वक्त बदलते देर नहीं लगती, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सताओ जितना खुद उसको सहन कर सको। आज आपका आज सरकार में बैठे हो, सत्ता में बैठे हो, आज आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि जनता को किस प्रकार से न्याय, सुलभ न्याय व्यवस्था प्रदान करें, कानून व्यवस्था महंगाई से राहत दिलाई जाए, किस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, ये ध्यान दिया जाए कि लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म करने पर ध्यान ना रखा जाए, किसी की एक दूसरे की रड़क निकालने वाली जो बात कहते हैं वो ना निकाली जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, भूपेंद्र जी आपका भी, विजय जी आपका भी और रजवंत जी आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट शो में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, विपक्ष का कहना है कि सत्ता में बैठी बीजेपी जो है वो तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आखिर इतना डरना क्यों, अगर आप पाक साफ हैं तो सवालों के जवाब दीजिए और जांच पूरी होगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर, नमस्कार।